यदि आप किसी नई चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपको एक नई तरह की भाषा बनानी होगी। सब कुछ बीत जाता है, किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, और इसी तरह हमें जीने को मिला है। मेरे लिए उपन्यास लिखना एक सपने जैसा है। उपन्यास लिखने से मुझे जानबूझकर सपने आते हैं। यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप इतने खुश नहीं हैं। पैसे से जो सबसे अच्छी चीज खरीद सकते हैं, वह है स्वतंत्रता और समय। उस उम्र में जीना बहुत कठिन है, जब कुछ भी निश्चित नहीं है। युवा कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं, वे मुक्त होना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सपने देखते हैं जब वे सो रहे होते हैं, लेकिन एक लेखक होने के लिए आपको जागते हुए जानबूझकर सपने देखने होंगे। आप जानते हैं, अगर आप अमीर हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कई लोग, विशेष रूप से युवा लोग, अधिक स्वतंत्र और अपने दम पर रहना पसंद करेंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल है और वे अलगाव की भावनाओं से पीड़ित हैं। मैं एक लेखक हूं, मैं किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता, यही मेरा सिद्धांत है। मैं एक बड़ी केतली की तरह हूं, उबालने में समय लगता है, लेकिन फिर मैं हमेशा गर्म रहता हूं। ज्यादातर युवा बड़ी कंपनियों में नौकरियां पा रहे थे, कंपनी मैन बन रहे थे, मैं व्यक्तिगत होना चाहता था। जीवन में कई मूल्यों के बीच मैं सबसे अधिक स्वतंत्रता की सराहना करता हूं। मैं सिर्फ दौड़ने के बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे दौड़ने के बारे में लिखना मेरे लेखन के बारे में लिखना है। यह मेरे लिए एक समानांतर है। कल्पना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मैं खुद को व्यक्त करना चाहता हूं, तो मुझे एक कहानी बनानी होगी। कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं, मेरे लिए यह कल्पना नहीं है, यह सिर्फ देखने का एक तरीका है। मैं एक कलाकार के रूप में खुद के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो लिख सकता है। जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरे पास कोई योजना नहीं थी, मुझे बस कहानी आने का इंतजार था। एक लेखक बनने से पहले मैं टोक्यो में जैज बार चला रहा था, जिसका मतलब है कि मैंने देर रात तक गंदी हवा में काम किया। जब मैंने अपने लेखन से जीना शुरू किया, तो मैं बहुत उत्साहित था और मैंने फैसला किया, मैं कुछ नहीं बल्कि बिल्कुल स्वस्थ तरीके से रहूंगा। हर लेखक की अपनी लेखन तकनीक होती है। हमारी आत्मा में कहानियां बहुत गहरी हैं। कहानियां हमारे दिलों के तल पर इतनी गहरी हैं कि वे लोगों को गहरे स्तर पर एक साथ ला सकती हैं। जब मैं एक उपन्यास लिखता हूं, तो मैं इतनी गहराई में चला जाता हूं। मैं खुद स्नातक होने के बाद से अपने आप पर पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। मैंने अपने कुछ दोस्तों को खो दिया, क्योंकि मैं इतना प्रसिद्ध हो गया, जो लोग सिर्फ यह मानते थे कि मैं अब अलग हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे हर कोई मुझसे नफरत करता है। वह मेरे जीवन का सबसे दुखी समय है। मेरी प्राथमिकता मेरी किताबें हैं। एक भाग्यशाली लेखक अपने जीवन काल में शायद 12 उपन्यास लिख सकता है। मुझे नहीं पता है कि मेरे पास अभी भी कितनी अच्छी किताबें हैं। मुझे उम्मीद है कि एक और 4 या 5 होंगी। मैं वास्तविक राजनीति के बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहता,
क्योंकि अगर मैं करता हूं तो मुझे अपने फैसले के लिए जिम्मेदार होना होगा। जब भी मैं एक उपन्यास लिखता हूं, तो मेरे पास एक मजबूत भावना है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मैं पहले नहीं कर पाया था। मेरे पास एक लेखक होने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी थी वे बहुत अच्छी थीं, मेरे मानक बहुत अधिक थे।